अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 30,000 की प्राइस में दो फ़ोन बताने वाला हूं जो कि सुपर एमोलेड के डिस्प्ले के साथ मिलेंगे और 8 GB रैम 128 GB वाले जो वेरिएंट हैं, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपको थोड़ा यूज्ड में ही मिलने वाले हैं जो कि पहले 40,000 की प्राइस में पाकिस्तान में मिलते थे और अभी थोड़ा ये पुराने हो चुके हैं। लेकिन 30,000 अगर आप खर्चना चाहते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो अच्छी आपको परफॉर्मेंस दे देंगे। डिस्प्ले इनमें आपको सुपर एमोलेड वाले मिल जाते हैं और रैम और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा है और कैमरा रिजल्ट भी काफी ठीक मिल जाते हैं। तो पहला जो फोन है वो Vivo S1 Pro वाला है। तो 40,000 की प्राइस में ये पिछले साल सेल होता रहा है और अभी आपको ये थोड़ा यूज्ड के अंदर फोन अच्छी कंडीशन में 30,000 या इससे थोड़ा ज्यादा प्राइस में मिल सकता है। तो अगर आप कोई नया फोन भी लेने जाते हैं Vivo या Oppo का, तो 30,000 खर्चने के बावजूद आपको 4 GB रैम मैक्सिमम मिलती है और डिस्प्ले तो सुपर एमोलेड का मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा यूज्ड में जाना पड़ता है अगर आपको ये वाली अच्छी स्पेसिफिकेशन थोड़ा चाहिए कम प्राइस के अंदर। तो इसमें सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है फुल HD की रेजोल्यूशन के साथ। परफॉर्मेंस भी इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 665 वाला इसमें चिपसेट मिलता है। तो अभी 30,000 में जो ट्रेंड चल रहा है स्नैपड्रैगन वाला चिपसेट दिया जा रहा है वो 662 वाला है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी आपको उसी तरह की देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत ही इसमें आपको फर्क मिलता है गेमिंग के लिए, तो दोनों ही फोन आपको रिकमेंड नहीं मैं करने वाला। 8 GB की इसमें रैम है, LPDDR4X वाली और 128 GB की स्टोरेज है। कैमरा रिजल्ट आपको इस वाले फोन में काफी तगड़े मिल जाते हैं। 48 MP का बैक पे मेन कैमरा है, 4 कैमरे मिलते हैं जिसमें 8 का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और बाकी 2 MP के हैं। और सेल्फी कैमरा भी इसका काफी अच्छा है, 32 MP का। टाइप सी वाला इसमें चार्जर है और फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर है। इधर 4500 mAh की इसमें बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो काफी अच्छी जो डील है 30,000 से 32,000 की प्राइस में भी अगर आप ये फोन लेते हैं, अच्छी कंडीशन में लें, चेक करके लें, अगर ऑनलाइन वारंटी इसकी पड़ी हो तो ज्यादा बेटर है। और नेक्स्ट जो फोन है वो ओप्पो का है, ओप्पो F15 वाला। अभी तो आपको लेटेस्ट F19 Pro वाला फोन बहुत जल्द मिलने वाला है, तो उसके आने के बाद इसकी प्राइस आपको और कम देखने को मिल सकती है। अगर ये वीडियो आप 1 मंथ बाद देख रहे हैं तो हो सकता है इसकी प्राइस 30,000 या इससे कम भी मिल जाए। अभी ये वाला फोन आपको OLX पे भी 32,000 से 30,000 तक का मिल जाता है। तो अगर आप अपने सिटी से ऑफलाइन मार्केट विजिट करते हैं तो 30,000 से भी कम की प्राइस में ये मिल सकता है। इसमें भी सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है फुल HD की रेजोल्यूशन के साथ और काफी ये स्लिम और लाइट वेट फोन है। 7.9 mm थिकनेस पे और 172 ग्राम इसका वेट है। इसमें MediaTek का P70 वाला चिपसेट है। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा Vivo के फोन से आपको कम मिलेगी, तो गेमिंग वगैरह इतनी खास आप नहीं कर सकते इन फोन पे। अगर आप इस प्राइस रेंज में और नए फोन भी लेते हैं तो गेमिंग के लिए आपको अच्छे अच्छे फोन मिल जाते हैं। तो PUBG वगैरह अगर आपने खेलनी है थोड़ा बहुत, तो ये वो दोनों ही फोन चला देंगे। ये नहीं है कि इन पे PUBG चलेगी नहीं, तो गेमिंग वगैरह भी नॉर्मल आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं इन पे। 8 GB की इसमें रैम है, 128 GB की इसमें भी स्टोरेज है, UFS 2.1 वाली और LPDDR4X वाली रैम है। 4 कैमरे हैं इसकी बैक पे भी। मेन कैमरा 48 MP का है और 8 Ultra Wide 2 MP के 2 कैमरे हैं और 16 MP की इसमें भी सेल्फी मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर है इसके भी। 4025 mAh की बैटरी और 20 वाट का इसमें फास्ट चार्जर है। तो ये दोनों ही फोन मुझे बहुत बेस्ट डील लगी थी। अगर आप 30,000 खर्चना चाहते हैं तो इनको आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा यूज्ड में अगर अच्छी हालत में वारंटी के साथ मिले तो यकीनन ये दोनों ही ऑप्शन काफी तगड़े और तबाही किस्म के हैं। अगर आपको ये फोन अच्छे लगे हों या आप चाहते हैं इस तरह की आपको मैं वीडियोस दूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दें, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।